और गाड़ी की हालत देखो एक बार। सो आई थिंक हमें मेन प्रॉब्लम मिल गई है जो आवाज़ आ रही फिर से करो। तो गाइस हम इसे थोड़ी रफ रोड पे चला के देख रहे हैं। चेक दिस आउट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस मैं अभी गैरेज पहुंच रहा हूं, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। एक सब्सक्राइबर हैं, वो अपनी मिनी कूपर कन्वर्टेबल लेके आ रहे हैं, उनके सस्पेंशन में कुछ आवाज़ आ रही है। सो गैरेज चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या आवाज़ है एंड वॉट नीड्स टू बी डन। सो लेट रीच गैरेज, फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइस आई एम ऑन द वे टू गैरेज एंड लुक वॉट आई सॉ। ये आई थिंक SX4 है और गाड़ी की हालत देखो एक बार क्या हो गई है। आई होप नो बडी इज इंजर्ड। अभी किससे टक्कर हुई है वो तो पता नहीं, बिकॉज यहाँ पे दूसरी गाड़ी है नहीं। बट या दिस इज SX4। ये देखो नीचे सारा पड़ा हुआ है। वाओ। एनीवेज लेट्स रीच गैरेज। Two very boring minutes later. So guys, finally reached garage and here is the Mini Cooper convertible which I told you about. तो काम ऑलरेडी शुरू हो गया मेरे आने से पहले ही। तो सस्पेंशन में आवाज़ है एंड चेक कर रहे हैं मॉन्टिविया। तो इसको एक बार अब उतार के पीछे का आई थिंक लिंक रॉड खोलिए, वो उतार के चला के देखते हैं। बिकॉज चलाते वक्त ना चारों तरफ से कुछ कट कट की आवाज़ आ रही है, जैसे मेटल टू मेटल कुछ टकरा रहा है। सो लेट्स सी, इसको एक बार लिंक रॉड पीछे ही खोलिए, उसके बाद चला के देखते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं। फिर उसके बाद आगे का सस्पेंशन जो है वो खोल के चेक करेंगे। अभी ऊपर उठा के हमने फिजिकली चेक करी थी, बट ऐसे कुछ हमें दिखा नहीं, हिला के भी कुछ लूज नहीं है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा। 5 minutes later. So guys, गाड़ी में अभी चला के आया हूँ, टेस्ट राइड लेके, काशी भैया ने भी चलाई है। एंड जो हमें लग रहा है, बिकॉज इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो हमें लग रहा है कि आवाज़ उसकी है, नीचे वो बॉडी के साथ टकरा रहा है उसकी जो पाइप है। तो अब इसको उठा के देखते हैं, लेट्स सी। ओके गाइस, आई थिंक हमें मेन प्रॉब्लम मिल गई है जो आवाज़ आ रही है। काशी भी एक बार करना, फिर से करो। सो जैसा सस्पेक्ट किया था वही है मेन आवाज़। ये साइलेंसर की पाइप है, ये यहाँ मेटल पे टच हो रही है। सो वी थिंक कि मेन आवाज़ यही है, तो इसको एक बार किसी तरह रोक के देखते हैं, उसके बाद गाड़ी की दोबारा टेस्ट राइड करेंगे। होपफुली आवाज़ बंद हो जानी चाहिए। तो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका नीचे का जो ये बॉडी ब्रेस है, ये जो आपको पूरी दिख रही है, हम ये खोल रहे हैं। बिकॉज साइलेंसर जो है वो यहाँ पे इसी पे ही बज रहा है, तो इसको खोल के एक बार चला के देखेंगे, उससे कन्फर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम यही है या कुछ और। तो यहाँ से ये खुलेगा और वहाँ से वो खोल रहे हैं भैया, तो पूरा नीचे आ जाएगा। Guys, we are again test riding it. And अभी तक तो हमें आवाज़ नहीं आई है। So guys, हम इसे थोड़ी रफ रोड पे चला के देख रहे हैं एंड अभी तक तो वो वाली आवाज़ दोबारा नहीं आई है। तो कंफर्म तो यही हो गया है कि साइलेंसर की पाइप की आवाज़ थी एग्जॉस्ट की। एंड यू कैन हेयर कि इसका एग्जॉस्ट कितना ऑसम लगा हुआ है, मतलब आई लव द साउंड वैसे। सो गोइंग बैक।
सो गाइस फाइनली हमने जो सोल्यूशन किया है वो एक तरह का जुगाड़ी कह लो, तो ये वाली पाइप इस पे बचती थी, हमने यहाँ पे वी बेल्ट तारों से बांध दी है, ठीक है। और जो मेन चीज़ की है वो यहाँ पे की है, यहाँ पे मेन ये अटैच है, तो इसके जो ये वाले हुक है ना ये नीचे थे यहाँ पे, जिससे कि ये पाइप और नीचे थी और उस वजह से ये जो पीछे जा रही है वो और नीचे आ रही थी। अब इसमें काफ़ी गैप है, प्लस वो इसलिए क्योंकि ये जो हुक यहाँ थे ये हमने मोड़ के यहाँ किए हैं दोनों तरफ के, तो पूरी पाइप भी लिफ्ट हो गई है। एंड एज अ प्रिकॉशन हमने यहाँ पे वी बेल्ट लगाई है, वैसे टच तो होने नहीं वाला उस पर भी, बट एज अ प्रिकॉशन कि बीच में एक रबर की पैकिंग रहे कि अगर टच होता भी है तो मेटल टू मेटल आवाज़ ना आए। तो ये दो चीज़ें करिए, अब गाड़ी एक बार फिर से चला के देखते हैं। Moments later. So guys, गाड़ी की टेस्ट राइड ले आए हैं, जिनकी गाड़ी है उनको साथ बिठा के भी टेस्ट राइड ले लिया है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, जो मेन आवाज़ थी वो चली गई है। अब इसमें जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, मैं एक बार आपको उसकी साउंड सुनाता हूँ, बिकॉज इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया साउंड है, सो चेक इट आउट। सो गाइस पहले गाड़ी के अंदर बैठ के सुनाता हूँ, फिर एक बार बाहर से भी सुनाऊँगा। अब आपको एक बार बाहर से भी सुनाता हूँ। सो गाइस मैं आपको इसकी एक बार जो रूफ है वो भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, छत नीचे करके। भैया चलो, चेक दिस आउट। सगाई आपके सामने है मिनी कूपर कन्वर्टेबल, चढ़ा दो भैया। सो गाइज वन मोर थिंग, मिनी कूपर के ना जो स्पेशल नट होते हैं वो भी हम चेंज करके नॉर्मल लगा रहे हैं, बिकॉज अगेन इसमें भी ये वो प्रॉब्लम ना है जो पहले वाली मिनी कूपर में आई थी कि नट जाम हो जाते हैं और फिर वेल्डिंग से काटना पड़ता है। तो ये चार नए नट आ गए हैं, ये भी उन्हें लगा देंगे। सो कार वैसे कंप्लीट हो ही गई है गाइज, एंड अब उसके एक बार वॉशिंग करा देंगे, बिल बनाते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि टोटल कितना खर्चा आया। सो गाइस गाड़ी लगा दी है पीछे वॉशिंग पे और इसका बिल बन चुका है, टोटल बिल बना है सिर्फ 2400 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग लेबर, व्हील स्टड एंड वॉशिंग। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, अगर पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, पीस आउट।